क्या VITAP वर्थ इट रहेगा अगर तुमको CSE मिल भी जाए, क्या तुमको इसे कंसिडर करना चाहिए? देखो यार, VIT का बहुत ज्यादा हाइप है, नो डाउट अबाउट दैट, बट वो VIT वेल्लोर के लिए है, AP कैंपस के लिए नहीं। AP कैंपस का क्या रियलिटी है, इस वीडियो में तुमको इसका प्रोज एंड कॉन्स के साथ प्लेसमेंट्स का क्या हाल है वो भी बताऊंगा। एंड इफ यू आर समवन जिसे लग रहा है कि VIT वेल्लोर नहीं मिल पाएगा लेकिन AP कैंपस को कंसिडर करना चाह रहे हो CSE के लिए और कंफ्यूज हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इसे फाउंड किया गया था 2017 में, काफी न्यू कैंपस है, या ऐसा भी कह सकते हैं VIT वेल्लोर का ब्रांड नेम यूज करके इस कैंपस को बनाया गया। पैसा ही पैसा हो गया। ये कैंपस भी काफी मैसिव है, 200 एकर्स का है। इनको एक्रेडिशन मिला है NAC A और NRF रैंकिंग इनको नहीं मिला है। बीटेक का फीस अराउंड यहाँ पे 2 लाख पर ईयर तुमको पड़ेगा फर्स्ट कैटेगरी में, और हॉस्टल फी तुमको यहाँ पे पड़ेगा 1,08,000 फोर बेडेड रूम के लिए। यहाँ पे कई तरह के स्कॉलरशिप दी जाती है बट मैं उनमें से कुछ का नाम बताता हूँ। बेस्ड ऑन VIT EEE एंट्रेंस रिजल्ट, राजेश्वरी अम्मल मेरिट स्कॉलरशिप ऑन प्रीवियस एकेडमिक रिजल्ट। एलिजिबिलिटी के लिए तुम्हारे पास सबसे पहले 12th में 60% मिनिमम PCM होना चाहिए एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए तुमको VIT EEE देना होगा। इसके स्कोर के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है। और हाँ, यहाँ तुमको VIT वेल्लोर के कंपैरिजन में CSE इजीली मिल सकता है और ब्रांच वाइज इनका कट ऑफ देख लो। एंड यस यार, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है किसी टॉप कॉलेज को लेकर, अपने करियर को लेकर, या फिर किसी टॉप कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा एडमिशन से रिलेटेड, यू कैन व्हाट्सएप मी, व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो। 2023 का प्लेसमेंट डेटा बताता हूँ। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 34.40 LPA, एवरेज प्लेसमेंट लगा था 9.23 LPA। टोटल कंपनीज यहाँ पे विजिट किया था 900+, उसमें से कुछ टॉप कंपनीज का नाम बताता हूँ। Amazon, Microsoft, JP Morgan, HP, PayPal। अब कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताता हूँ। यहाँ पे टोटल 14,345 ऑफर्स मिले थे जिसमें से 4,461 ड्रीम ऑफर्स थे, यानी इतने सारे हाई पैकेज प्लेसमेंट लगे थे। एंड ऑब्वियसली ये डेटा VIT का सारे कैंपस मिलाकर है क्योंकि इनका प्लेसमेंट सेल कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड कह सकते हो, जाल का तरह मस्त। अब बताता हूँ कौन से टॉप कंपनीज में कितने प्लेसमेंट लगे थे। माइक्रोसॉफ्ट में 21, पेपाल में 13, अमेजॉन में 13, मॉर्गन स्टैनली में 10। दैट्स इट। कई सारे फैकल्टीज यार यहाँ पे तुमको VIT वेल्लोर के मिलेंगे क्योंकि इनका करिकुलम एज इट इज है VIT वेल्लोर के जैसा। एंड यहाँ पे भी तुमको फैकल्टी का क्वालिटी बढ़िया ही मिलने वाला है। रिलेटिवली काफी न्यू कैंपस है तो यहाँ तुमको हॉस्टल्स का कंडीशन टॉप नॉच मिलने वाला है विद मॉडर्न फैसिलिटीज। एंड सभी हॉस्टल्स में सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट रहता है, सो आउटसाइडर बहुत कम चांस आ सकता है हॉस्टल के अंदर। यहाँ हॉस्टल्स में तुमको AC, non-AC, सिंगल बेडेड, डबल बेडेड, फोर बेडेड, इस तरह के रूम्स मिल जाएंगे। एंड फूड क्वालिटी भी काफी अच्छा है, कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया है। और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का क्या ही कहने, बाद में बताऊंगा प्रॉपरली। सबसे बेस्ट चीज VIT का, ध्यान से सुनना, इस इंस्टीट्यूट में है FFC कार्ड सिस्टम, फुल्ली फ्लेक्सिबल कार्ड जो तुमको एज अ स्टूडेंट अलाउ करता है अपना क्लास टाइम और अपने पसंद का फैकल्टी चूज करने का फ्रीडम, जो एक जबरदस्त चीज है। मतलब कई सारे स्टूडेंट्स का ही तो ड्रीम होता है। सो अगर तुम लेट से भी जगते हो, यू कैन चेंज योर क्लास टाइम। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। प्लेसमेंट्स यार देखो, ओनली हाइप नहीं है, प्लेसमेंट्स लगता है। यहाँ पे 92% प्लेसमेंट रेट है। और हाँ, प्लेसमेंट्स यहाँ भी इसलिए अच्छा है क्योंकि प्लेसमेंट सेल कॉमन है, इंटरकनेक्टेड है सारे कैंपस से, एंड दैट्स गुड। और हाँ यार, VIT कितना बड़ा ब्रांड है, कितना हाई रैंकिंग कॉलेज है, ये सबको पता है, बट AP कैंपस को उस लेवल का रैंकिंग नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये किसी नॉर्मल कॉलेज से या नॉर्मल यूनिवर्सिटी से वे वे बेटर ऑप्शन है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तुमको यहाँ पे जरूर मिलेगा। और कैंपस लाइफ का क्या ही कहने भाई, बहुत मैसिव कैंपस है, न्यू कैंपस है, मॉडर्न फैसिलिटीज है, सो कैंपस लाइफ अमेजिंग रहने वाली है। इनका इंडस्ट्रियल कनेक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण तुमको यहाँ पे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स में काफी हेल्प मिल जाता है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी काफी बढ़िया है यहाँ पे, एंड एक्सपोजर का कमी नहीं मिलेगा। अब बताता हूँ यहाँ पे कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। देखो यार, ये न्यू कैंपस है VIT वेल्लोर के कंपैरिजन में, सो तुमको यहाँ पे उस लेवल का क्वालिटी नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, वेल्लोर के जैसा तुमको यहाँ पे क्वालिटी क्राउड नहीं मिलेगा। कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे लोकेशन का इश्यू है, भले ही वो अमरावती में है, अमरावती एक ग्रोइंग सिटी है, सो एक्सपोजर में तुमको थोड़ा सा इश्यू आ सकता है।
और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिमिटेड अलुमनाई नेटवर्क है, जिसके कारण तुम्हारा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज में इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव। एंड एज यूजल काफ़ी स्ट्रिक्ट है ये भी कैंपस, 8:30 में ही कर्फ्यू लग जाता है। एंड वीडियो के लास्ट में बताऊंगा यार अपना ओपिनियन, क्या तुमको इसे चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ तुमको कई सारे स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से मैं कुछ का नाम बताता हूँ। ईसी मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर साइंस। सीएस में तुमको 5 सब स्पेशलाइजेशंस मिलेंगे, जैसे बिजनेस सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई, डेटा साइंस, आईटी। एंड ईसी में 3 सब स्पेशलाइजेशंस हैं, एम्बेडेड सिस्टम, ईसी विद VLSI, ईसी विद बायोमेडिकल। इंफ्रा न्यू है यार, सो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में तुमको टॉप नॉच लेवल का यहाँ पे मिलने वाला है नया सब कुछ। कुछ स्पोर्ट्स का नाम बताता हूँ, रनिंग ट्रैक, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्नूकर, स्विमिंग, कराटे, ये सब मिल जाएंगे। सो इफ यू आर ए स्पोर्टी यू विल लाइक इट हियर। क्लब्स तुमको यहाँ पे कई टाइप्स के मिलेंगे, बट मेनली आर्ट्स एंड कल्चरल क्लब, टेक्निकल क्लब, सोशल क्लब। एंड ऑब्वियसली यार VIT एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है, सो रिसर्च सेंटर्स तो मिलने ही थे। कुछ रिसर्च सेंटर का नाम बताता हूँ, ऑटोमेटिव रिसर्च सेंटर, सेंटर फॉर क्लीन एनवायरमेंट, सेंटर फॉर फंक्शनल मटेरियल्स, सेंटर फॉर इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग। मेरा फाइनल ओपिनियन जानने से पहले, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है अपने करियर को लेकर, किसी टॉप कॉलेज से रिलेटेड या किसी टॉप कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा एडमिशन से रिलेटेड, यू कैन व्हाट्सएप मी, व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो। अब आते हैं टॉपिक पे। देखो यार, VIT इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, नो डाउट अबाउट दैट, बट वो AP कैंपस नहीं है। इस कैंपस में तुमको CSE इजीली मिल सकता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा इसके कंपैरिजन में SRM मैन कैंपस को चूज कर लेना चाहिए विद CSE, ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बट हाँ, यहाँ तुमको सारे फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज टॉप नॉच का मिलेगा। थोड़ा मेहनत करोगे प्लेसमेंट्स यहाँ से भी बढ़िया मिल सकता है, बट वही एक्सपोजर का थोड़ा सा कमी हो सकता है। एंड दैट्स इट यार, अगर तुम्हारे पास कोई भी सजेशन है तो कमेंट कर सकते हो, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।